बठिंडा हाईवे ते तपा नजदीक पीआरटीसी बस ते कैंटर विचाले भयानक टक्कर च चार लोगों की मौत हो गई जबकि 16 लोग जख्मी हो गए। हादसा अज सवेरे तकरीबन 9 बजे पिंड जेठू के नेड़े वापरिया। पीआरटीसी की बस बठिंडा तो लुधियाना जा रही थी ते कैंटर बठिंडा वल जा रहा सी। जीटी रोड ब्यास विखे उमरा नंगल चौंक नेड़े आटो विजटा कार ते स्कॉर्पियो कार विचाले हुई भयानक टक्कर च 3 औरतां समेत 2 व्यक्तियों की मौत हो गई ते 11 लोग जख्मी दसे जा रहे हैं जिन्हां विच कई बच्चे शामिल हैं। जख्मियों नूं नेड़ले हस्पतालां च भर्ती कराया गया है ते गंभीर जख्मियों नूं अमृतसर रैफर कर दिता गया है। पंजाब अंदर धार्मिक ग्रंथां दी बेदबी दे मामले रुकण दा नाम नहीं लै रहे। ताज़ा मामला जिला बठिंडा दे पिंड धन सिंह थाना दा है जिथे पिंड दे गुरुद्वारा साहब दे गेट अगे सवेर समय गुटका साहब दी बेदबी दी घटना सामने आई। पुलिस वल्लों मामले दी जांच कीती जा रही है। बठिंडा च देर रात एक दोस्त वालों अपने ही दोस्त का गोली मार के कतल कर दिया गया जबकि एक नौजवान हादसे में जख्मी हो गया। घटना समय दोषी ने शराब पी रखी सी। अमृतसर देहाती अधीन आउंदे थाना हेर कंबो दे पिंड माड़कैड़ा विखे बीती 19 मई की सवेर नूं जायदाद के मामले में चल रहे विवाद कारण जतिंदर सिंह वालों छोटे भरा काबुल सिंह का कतल करने तो बाद अज सवेरे जतिंदर सिंह ने खेतों च दरखत नाल फाहा लैके आत्महत्या कर ली। श्री आनंदपुर साहब के नज़दीकी पिंड कोटला पावर हाउस और गजपुर बेला विखे एको रात दरमियान 2 घर में चोरी होने और एक घर के ताले तोड़ देने का समाचार प्राप्त होया है। उधर थाना श्री आनंदपुर साहब के SI रमेश कुमार ने दसिया कि जल्द ही मामला दर्ज करके चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा। बॉलीवुड अदाकारा और संसद मैंबर शबाना आजमी बीती देर रात एक समागम में हिस्सा लेने लुधियाना पहुंची। इस समय उन्होंने भारत में औरतों की स्थिति को लेकर सवाल खड़े किए। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने पंजाब भर के विद्यार्थियों लिए राहत भरिया ऐलान करदिया स्कूलों में दाखला लैन की तरीक वधा दिती है। सिक्ख्या बोर्ड ने नवीं जमातों में दाखला लैन लई आखिरी मिति 21 जुलाई तक वधा दिती है। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वालों 10वीं जमात का सालाना नतीजा 22 मई को सवेरे 11 बजे ऐलाना जाएगा। बोर्ड के चेयरमैन बलबीर सिंह ढोल ने दसा कि रैगूलर और ओपन स्कूलों संबंधित शहरों के 1,26,525 देहाती खेत्र के 2,32,000 के लगभग विद्यार्थियों ने 10वीं की प्रीख्या दी सी। आम आदमी पार्टी तो कढ़े गए विधायक कपिल मिश्रा ने एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से दोष लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मामले 400 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि दिल्ली की सरकार को राइट टू रिकॉल तहत हटाया जाए।